कुमार इस कुमार उतना मत ले यार। ये है राजमा 95 रुपये किलो, और ये नहीं पता क्या है, ये सब तो मम्मी लोग ही समझेंगी क्या है ये सब। ये है चने आई थिंक, सब मिलता है इधर। अब ये है क्या, ये नहीं पता मुझे क्या है, ये शुगर एंड आई खतरनाक चीज है। इधर मैं क्या क्या बताऊँ आपको, बहुत सही सही चीज़ है। ये क्या है, ये है चाय वगैरह, ये देखो 500 रुपये किलो, देख रहे हो चाय कितना महंगा इधर। तो कुछ कुछ रहते हैं, कुछ कुछ इधर बहुत महंगे रहते हैं। मैक्रोनी पास्ता, ये है मैक्रोनी पास्ता एंड ऑल, बहुत कम प्राइस में। और वैरायटी ऑफ राइसेस देखो, कितने वैरायटी हैं इधर राइस में। सब मिलते हैं बॉर्डर के ढक्कन, अपने को जरूरत है क्या, एक टूर दे दो यार। यार ये लोग ऐसा देते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंडियंस जो यहाँ ओस में आएंगे, फ्रूट्स वगैरह कहाँ से खरीदें? तो आपको अगर कुछ चाहिए, मतलब 1 किलो चाहिए 2 किलो चाहिए, वो तो बाहर से खरीद लें। लेकिन अगर आपको बल्क में चाहिए फ्रूट्स सब्जी एंड ऑल, तो देखो अंदर ये चारों तरफ सब फ्रूट्स हैं, देख रहे हो ना, ये सब फ्रूट्स हैं। और ड्राई फ्रूट्स इधर है, ये ड्राई फ्रूट्स एंड जूस एंड ऑल सब पूरे लाइन से इधर लगा हुआ है। और सॉसेस, पेप्सी, वही बल्क में अगर आपको, जैसे बोलते हैं ना रिटेल प्राइस में मिल जाता है इधर सबको, एक एक कस्टमर को यहाँ रिटेल प्राइस में मिल जाता है, बाकी फिर आप उसको घर में जाके इंजॉय करें। तो अभी हम लोग कांदा ले लिए हैं, नहीं नहीं कांदा नहीं, इसे आलू बोलते हैं, तो ये आलू ले लिया है। क्या ले लें, आलू ले ले, हाँ ले लेना। कितने का है वो आलू, कितना पे, 80 रुपये का, 4.5 करीब, तो 80 रुपये का 4.5 किलो। मुझे पता नहीं, मम्मी लोग को पता होगा कि सही प्राइस है कि नहीं, तो अगर पता हो तो बता देना, मम्मी देख रही होगी। तो तरबूज देख, 13 रुपये है किलो, कोई से नहीं खाता है कि नहीं, कोई मैं खा लेंगे ना, ले ले मार इसको मार। कितने का है, तो इन लोग अब तो यहाँ मर्डर ऑर्डर करने का भी सामान मिलता है, तो किसी को मर्डर करना हो तो यहाँ जरूर आए सामान लेने। 28 का किलो, 28 का नहीं दे रहा। तो साल भर का राहुल बोल रहा है एक बार ले लेते हैं ये पूरा बोड़ा, तो ऐसा ऐसे नहीं होता यार। देखो मिर्ची, हरी मिर्च बहुत तीखी रहती है भाई, अभी लाल मिर्च ये नहीं पता क्या है, ये है गाजर, ये है पत्ता गोभी, हाँ ये है कांदा, और ये है प्याज इतना बड़ा। देखो ये हाइब्रिड वाला प्याज है, आलू, आलू कद्दू, तरबूज, खरबूजा, पपीता नहीं नींबू, भाई नींबू इधर बहुत महंगे मिलते हैं, एक नींबू इधर है 21 रुपये का, समझ रहे हो ना। ये है संतरा, जानवर वाला संतरा है, ये 345 का लिखा हुआ भाई, 345 का किलो। अबे ये प्राइस लिखे रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका ही होगा, इसका ही होगा, अंगूर का ही होगा 98। और जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं इधर, ब्लैक ग्रेप्स, ऑरेंज ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स, कौन सा किलोग्राम एंड एप्पल, एप्पल बहुत सस्ता है इधर, एंड जितने भी हैं गुआवा उवा, समझ रहे हो। कितना ले रहे हो, खाड़ना ना, खाड़ मत देना था, काम करते ना आधा किलो ले लेते अपना मिलके, आधा किलो मिलके। अबे ग्रेप्स लिए हो ना, अभी पड़ा हुआ है ना, मैं तो इतना बना रही हूं, दारू ये खाएगा ना, दारू ये खाएगा फर्मेंटेड उसको, बीज होगा बे, डालो डालो, अरे सब में बीज होगा बे, पागल आ गया क्या, यहां पे बगैर बीज का नहीं मिलता है, खाता लो ना, टेस्ट खाने में मजा भी आए, चुरा चुरा के ग्रेप्स खा रहा हूं। थैली में इसको डालते हैं, और फिर उसके बाद ये वेइंग मशीन है, इसकी हर एक इसकी कोड है, ये कोड इधर डाला हुआ है सबका, उस कोड के हिसाब से उसको प्रिंट करते हैं। सो क्या होता है कि आपको ग्रेप्स चाहिए तो ग्रेप्स डाल दो, तुम्हारा पैसा, ग्रेप्स डाल दो तो ये आ जाएगा,
और आपको पैसे बता देगा ये कितने हैं, यहाँ चिपकाओ आपके बास्केट में डाल दो। सो इजी ऐसे होता है इधर सब्जी के मार्केट में। इधर कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं है कि भाई एक रुपये दो रुपये कम कर दो, बहुत अच्छे प्राइस में मिलता है। सो गाइस, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस जो मेरे दोस्तों ने पूछा था कि भाई ये सब कैसे हैं इधर, तो इधर बहुत सस्ता मिलता है ये सब बियर वगैरह, और ये सब मुझे पता तो नहीं है क्या क्या है इधर। जैसे जैसे कुछ कुछ सुना है, जैसे जैक डेनियल है, तो वो है जैक डेनियल पीछे जा। तो यही सब यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, वाइन्स एंड ऑल। ये है वोडका, जो वाइट दिखता है वो वोडका होता है कि। और ये है सब बकार्डी, एंड ये है बकार्डी और उधर। और अभी दिखाता हूँ वाइन्स। ये है वाइन्स ये अंबारा और मेरलॉट जो भी है, मुझे पता नहीं है जितने ज़्यादा ब्रांड्स हैं। मॉन्ट्रोसो नहीं पता है, इतने सारे ब्रांड हैं लेकिन प्राइस बहुत सस्ते हैं। प्राइस दिखा, सब था वाइन्स एंड ऑल, चाय कलेक्शन। भाई यहाँ इतना कंटेंट है ना कि मैं यहाँ 10 वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, अगर रिक्वेस्ट आता है आप अगर बताना कि आपको क्या क्या देखना है, मैं पूरा बना दूंगा। ठीक है, इधर कोई ऐसा नहीं है, नॉट अलाउड कि यहाँ कैमरा वैमरा अलाउड नहीं, यहाँ पूरा बना सकते हो। तो चलो बस और कुछ दिखाते हैं आपको। सामा की मम्मी मेयोनीज खाने से मना की है, मतलब घी भी नहीं खाना है सामा को, अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ था। तो इधर डायनासोर के अंडे भी मिलते हैं। ये डायनासोर का अंडा जो सामा बहुत खाता है। डायनासोर के अंडे बहुत खाते हो तुम? इसीलिए तो मेरा शरीर बना है भाई। तुम कौन से अंडे खाते हो तुम? नहीं खाते हो? नहीं, हम अंडे ही नहीं खाते। अंडे नहीं खाते? हाँ, ये तो अंडा ही नहीं खाता। सो ये है डायनासोर का अंडा, अगर किसी को पालना वालना है तो ले लो ना, और हैच करा लेना। ठीक है, और मेन चीज़ अपना चिकन। सामा रहमान चिकन ले रहे हैं। लेग पीस का है भाई ये, है लेग पीस कितने का है? 200। सो ये है लेग पीस, कितने पीस हैं इसमें आई थिंक 9 पीस है, और ये है कितने का? 200 रुपए का। अभी हम लोग जा रहे हैं बेकरी आइटम के तरफ। ये दिखा दो, ये सब दिखा चुका हूँ। सामा क्या ले रहे हो? दूध देख रहा हूँ भाई, घोड़े का दूध महंगा है। हाँ, घोड़ा दिख रहा है ना, घोड़े का दूध भी मिलता है इधर, जिसको घोड़े का दूध चाहिए वो ले सकते हैं। वाह, घोड़े का दूध तरीके के साथ ये सब है पूरे दूध एंड ऑल, मतलब जिस चीज़ का आपको दूध चाहिए सब मिलेगा इधर, सब। सॉरी कैमरा हिल रहा है, तो यार थोड़ा कंपनसेट कर लेना। और ये सब फ्रिज हैं, आपको पता है ये सब खुला है लेकिन ये फ्रिज है, थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या हुआ? तो 1 लीटर 36 रुपए का दही दूध डालना ही है। और एक किताब डालना ही? हाँ डाल दे भाई, वो सामा भाई का है अपना नहीं। हाँ ये मेरा डालना, ये किसका है, कौन लिया? मैं लिया दही। दही है? हाँ दही। अरे इसमें एक अलग याद आ गया है, दही लिया। हाँ ये रहेगा पैंट, तो उतना पैसा नहीं, पीछे रहो थोड़ा पीछे पीछे, उतना पैसा नहीं है। हाँ ऐसे कर देना, ऐसे 1 रुपये ऐसे चलाते हैं। गाय नहीं बना है। गाय का इधर ऐसा है
उसामा भाई का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर गाय बना है इसमें पैकेट में तो वो गाय का है, ठीक है, नहीं तो ये घोड़ा का दूध। हाँ क्या बोलते हैं, कोला जीरो लेते हैं, फैट नहीं रहता ना इसमें, कैफीन नहीं रहता। देख खाने के बाद तो कोला पीते ही अपन। ले लो दो बोतल, ले बल्क में लो, तो ये पूरा का पूरा बल्क ही तो ले रहा है ये देख रहे हैं ट्रे पूरा इसी का है, ये पूरा ट्रे इसी का है, ये दो रखो। क्या है ये, क्या है वो समय, जीरो क्या पे जीरो पूरा घूम लिए, वॉक कर लिए पूरा। ये है उसामा भाई का फेवरेट, लेकिन वो अभी नहीं पी सकते, ये उनकी जान है, मतलब हर एक दिन वो पीते थे ये, तो अभी ये नहीं ले सकते वो, सो सैड। सो मैं डियो ले रहा हूँ, ये लूँगा और ये ले, ये वाला ले, हेड वॉश ले वाला। सबसे बड़ी बात है इसको कंटेंट बना। चलो और क्या लेना है, वो ले लो सर। ऐड आता था क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो राहुल अभी बोल रहा था कि क्या आपके बाथरूम में नमक है, तो बाथरूम में भी नमक होता है क्या? हाँ होता है ना। कहाँ होता है बाथरूम में नमक? होता है ना, बाथरूम में कोलगेट होता है, बाथरूम में टाइड होता है, सबके अंदर। अच्छा मतलब बाथरूम में कोलगेट होता है तो कोलगेट में नमक होता है, तो नमक निकाल दो बाहर तो बाथरूम में आ गया वो, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। देखो कितने का है, तो गाइस अब इसे अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है मिक्सी अच्छे से। अनबॉक्स तो ये हो चुका है और ये है वारंटी कार्ड इसका, जो रशियन में है तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। ये है इसका बुक था, ये है मेन चीज़, इसी में मटेरियल डलेगा पूरा, एंड ये इसका ढक्कन। ये है मशीन, ये है कौन सा कंपनी था, एलनबर्ग। तो ये है मिक्सी, तो अब इसे यूज करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसा लगा ये। ये है वीडियो का एंड, और मेरे को लगता है शायद ही दो पार्ट में आएगा, एक पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक पार्ट नीचे का। अबे पकड़ इसको, नीचे कर यार इसको। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय, अलविदा, थैंक्स फॉर